नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मशीन, अ स्मॉल एंड सिंपल टूल विच मेक्स अवर वर्क इजियर एंड फास्टर। बेटा एक छोटा सा टूल, एक सिंपल सा टूल जिसकी वजह से हमारा जो वर्क है, जो काम कर रहे हैं हम वो बहुत इजी बन जाए और वो कम टाइम में हो जाए, मीन्स हम उसको फास्ट कर पाए, तो उस टूल को हम बोलेंगे सिंपल मशीन। फॉर एग्जाम्पल लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू एंड वेज, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन दैट मेक्स आर वर्क ईजियर एंड फास्टर। ये हमारे काम को आसान भी बनाते हैं और हम काम को जल्दी भी कर पाते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लीवर। वी हैव ऑफन सीन पीपल ओपनिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल यूजिंग अ बॉटल ओपनर। देखो बेटा, आपने काफ़ी टाइम बार देखा होगा, आपने खुद भी ओपन की होगी सॉफ्ट ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल बॉटल ओपनर से। तो जो बॉटल ओपनर होता है उससे हम कितना इजीली बॉटल को ओपन कर सकते हैं, उसके कैप को हम कितना इजीली रिमूव कर सकते हैं। और सेकंड पिक में आपको दिखाई दे रही है एक रॉड जो बकेट को लिफ्ट कर रही है। ये वुडन वुड की रॉड है, ये बकेट को लिफ्ट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। ओके, अगर आप वैसे बकेट को आप होल्ड करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रोड को यूज़ करके आप लेस फोर्स लगा के इसको इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट, लीवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट हेल्प अस टू डू वर्क वाइल अप्लाइंग लेस फोर्स। लीवर जो है एक वो सिंपल मशीन है जिस पे हम कम से कम फोर्स लगा के भी अपना काम कर सकते हैं, किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं। लीवर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, लीवर में थ्री पार्ट्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स एंड थ्री पार्ट्स आर फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। सो व्हाट इज फल्क्रम? द मेन पॉइंट वेयर द रोड इज फिक्स्ड। देखिए बेटा, इस डायग्राम, ये आपके पास एक पिक्चर है, एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिसके अंदर थ्री चीजें हैं। ये देखिए, ये आपका पॉइंट जो है, ये एक स्टोन है, इसके ऊपर हमने एक रोड लगाया हुआ है। तो ये जो रोड है और ये जो स्टोन है आपस में जिस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, मीन्स ये रोड इस स्टोन के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो हमारा है फल्क्रम, द मेन पॉइंट वेयर रोड इज फिक्स्ड। यहाँ पे रोड जो है हमारी वो फिक्स है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? फल्क्रम। सेकेंड, लोड, वेट दैट इज टू बी लिफ्टेड। जो वेट हमें उठाना है, जो हमें लिफ्ट करना है, कोई हैवी चीज है वो हमें लिफ्ट करनी है जिसके अंदर हम रोड का यूज कर रहे हैं, तो वो जो वेट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका लोड। इस डायग्राम के अंदर ये स्टोन है, बिग स्टोन है, ये क्या है यहाँ पे? लोड, क्योंकि ये हमको लिफ्ट करना है, इसको हमको उठाना है। थर्ड चीज है एफर्ट, फोर्स दैट वी अप्लाई टू मूव ऑब्जेक्ट। अब बेटा देखिए, हमें इस लोड को अप करना है, मीन्स इसको लिफ्ट करना है हमें। अगर हम डायरेक्टली इसको होल्ड करके उठाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। अगर हम ये रोड यूज करके इसको लिफ्ट करते हैं, इट विल बिकम इजी। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए, वो इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो है जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे इस लोड को लिफ्ट करने के लिए, वो पॉइंट हमारा एफर्ट होगा। ओके, द पोजिशन ऑफ द फल्क्रम एंड लोड एंड एफर्ट आर डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ लीवर। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन लीवर आर डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। इन द फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। देखिए बेटा, आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, जो फल्क्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में आता है। तो लीवर जो होता है वो फर्स्ट क्लास लीवर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्लायर में सीजर, नेल कटर, ये किसके एग्जाम्पल है? फर्स्ट क्लास लीवर के। ओके, दोबारा मैं एक बार रिपीट करती हूँ, फर्स्ट क्लास लीवर, इन द फर्स्ट क्लास लीवर फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। आपको इस इमेज से भी क्लियर हो रहा है, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, फल्क्रम जो है लोड और एफर्ट के बीच में है। एंड फल्क्रम कौन सा पॉइंट है? फल्क्रम वो पॉइंट है जहां पे जो रोड है जो अटैच है, ठीक है, रोड जो है वो रेस्ट पार्ट जो होता है उससे अटैच होती है। लीवर, इन द सेकेंड क्लास लीवर लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट।
लोड जो होता है बेटा फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है, सेकेंड क्लास लीवर के अंदर। और जो हमने फर्स्ट क्लास लीवर डिस्कस किया था उसमें क्या था, उसमें फलक्रम जो था वो बीच में था लोड और एफर्ट के, लेकिन सेकेंड क्लास में लोड है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में है। लाइक बोतल ओपनर एंड नट क्रैकर, ये दोनों ही सेकेंड क्लास के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड क्लास लीवर, इन द थर्ड क्लास लीवर एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। देखिए बेटा थर्ड क्लास लीवर जो होता है उसमें जो एफर्ट होता है वो बिटवीन में होता है किसके, लोड और फल्क्रम के। तो जो हमारा लीवर है वो किस टाइप का होगा, थर्ड क्लास, जिसमें एफर्ट बीच में हो लोड और फल्क्रम के। ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर आर आइस टॉन्ग्स, ट्वीजर्स एंड फिशिंग रोड्स। अब देखिए बेटा हम तीनों देखते हैं एक बार ना। फर्स्ट क्लास लीवर में देखिए ELEFL होता है, मतलब ई एफर्ट फलक्रम एंड लोड। सेकेंड क्लास में देखिए बेटा ELF मीन्स एफर्ट लोड एंड फलक्रम। थर्ड क्लास में देखिए बेटा LES मीन्स लोड एफर्ट एंड फलक्रम। सिंपल मशीन बेटा, यू मस्ट हैव सीन द रैंप इन योर स्कूल, हॉस्पिटल एंड अदर बिल्डिंग्स। आपने अपने स्कूल में, हॉस्पिटल्स में या कहीं और किसी बिल्डिंग में रैंप्स देखे होंगे। ओके, दीज आर इजी वे टू ड्राइव अ व्हीकल और व्हील चेयर अप अ बिल्डिंग। देखिए बेटा ये जो स्लोपिंग सरफेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इंक्लाइंट प्लेन है। ये जो स्लैंटिंग जो आपको लाइन नजर आ रही है ये इंक्लाइंट प्लेन है, ठीक है। अगर हम इंक्लाइंट प्लेन पे का यूज करके किसी व्हील चेयर को अप मीन्स हमें टॉप पोजिशन पे लेके जाना है या हमें कोई लगेज ऊपर लेके जाना है, तो हम वो इजिली कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट, एन इंक्लाइंट प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस। स्लोपिंग सरफेस मीन्स ये जो आपको स्लोपिंग सरफेस दिखाई दे रहा है, ओके, विच रिड्यूसेस द एफर्ट टू लिफ्ट अ लोड। लिफ्ट अ लोड मीन्स हम एक स्लोपिंग सरफेस यूज करके किसी भी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट मीन्स उसको टॉप पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं कम एफर्ट लगा के। हम लेस एफर्ट लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज करें, इमेजिन करिए आप, ये बॉक्स है आपके पास, इसको आपको यहाँ पे लेके जाना है। तो एक वे तो ये है कि आप इसको कैरी करके लेके जाएं, स्टेयर्स के थ्रू लेके जाएं, एंड सेकंड वे ये है कि आप इस स्लोपिंग सरफेस के थ्रू लेके जाएं। तो ज्यादा एफर्ट आपको किस में करना पड़ेगा, जब आप स्टेयर्स पे जाएंगे, और कम एफर्ट आपको कब करना पड़ेगा, जब आप इंक्लाइंट प्लेन यूज करेंगे। तो हम इंक्लाइंट प्लेन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं कम एफर्ट लगा के उसपे। इट इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील विथ ग्रूव। बेटा पुली जो है वो भी एक टाइप की सिंपल मशीन है, जिसके अंदर क्या होते हैं, व्हील होता है जिसपे ग्रूव्स बने होते हैं। ओके, जैसे इस फिगर को देखिए, एक व्हील है, इसमें ये ग्रूव्स बने हुए हैं। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज ग्रूव्स, दीज ग्रूव्स कैन होल्ड द रोप दैट इज यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। बेटा ये जो ग्रूव्स होते हैं इनका क्या काम होता है, इनको रोप, इनका काम है रोप को होल्ड करना। मतलब जो रोप हम यूज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, उस रोप को ये ग्रूव्स होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं एक तरह से। देर आर टू टाइप ऑफ पुली, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। इन द फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लोड। देखिए बेटा फिक्स्ड पुली में क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ लोड, इसमें जो डायरेक्शन है लोड की वो चेंज हो जाती है। अब देखिए आपको ये फिगर नजर आ रहा है यहाँ पे ना, एक फिक्स्ड पुली का जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसमें देखिए ये आपके पास है पुली, ये आपके पास है रोप और ये है लोड। तो बेटा आप रोप को जब चेंज करोगे, मीन्स रोप को आप जैसे खींचोगे अपनी ओर, पुल, ये पुश करोगे या पुल करोगे, तो ये जो लोड है ना ये अप एंड डाउन मूव करेगा। जैसे आप इमेजिन करिए, जैसे ही हम इस रोप को नीचे करते हैं या इस रोप को हम लूज करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं, तो ये जो लोड है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखिए लोड अप भी जाता है एंड डाउन भी जा सकता है,
that is depend on the rope, but here pulley is fixed. ये देखिए पुली जो फिक्स्ड पुली का मतलब पुली जो है हमारी फिक्स होनी चाहिए. तो इस फिगर के अंदर ये जो पुली है ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है, इसकी पोजीशन यहीं पे रहेगी. लेकिन किसकी पोजीशन चेंज होगी? लोड की पोजीशन चेंज होगी. ठीक है, लोड अप भी हो सकता है और लोड डाउन भी हो सकता है. तो फिक्स्ड पुली में क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ लोड, जो लोड की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पुली यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल. जो हम वेल से कुओं से जो पानी निकालने के लिए जो पुली यूज करते हैं वो हमारी फिक्स्ड पुली होती है. मूवेबल पुली, देखिए सेकंड टाइप की जो पुली है हमारी है वो मूवेबल पुली. मूवेबल पुली में क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो हम लोड को मूव कर रहे हैं, देखिए बेटा, मूवेबल पुली इज यूज टू डू वर्क बाय मूविंग द लोड. इसमें जो लोड है वो ही मूव हो रहा है. ठीक है ना, तो देखिए बेटा इसमें पुली आपको फिक्स कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है. अब अगर ये जो लोड है, ये देखिए ये पुली आपकी, ये आपका लोड है, तो ये मूवेबल है. मतलब ये जो पुली है रोप के ऊपर जो है ना मूव कर रही है. देखिए अगर रोप को आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं तो ये पुली जो है ये मूविंग पोजीशन में आ जाएगी. तो फिक्स जो पुली थी उसके अंदर तो हमारी पुली इस पोजीशन पे फिक्स थी, लेकिन जो मूवेबल पुली है हमारी उसमें इसका मतलब ही है. देखो बेटा मूवेबल वर्ड का मतलब है जो मूव करे. तो इस फिगर से क्लियर होता है कि जो इस मूवेबल पुली है उसमें पुली जो है वो कहीं फिक्स नहीं होती, वो मूव करती है. ठीक है, और ये इसके अंदर मूवेबल लोड होता है, पुली के साथ ही अटैच लोड भी है. तो जब पुली मूव करेगी तो लोड भी मूव करेगा. कंस्ट्रक्शन क्रेन्स एंड मॉडर्न एलिवेटर्स आर द एग्जांपल ऑफ मूवेबल पुली. जो देखिए बेटा जो कंस्ट्रक्शन क्रेन्स होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो क्रेन्स लगी होती है उनमें मूवेबल पुली होती है, और जो मॉडर्न एलिवेटर्स होते हैं उनमें भी मॉडर्न पुली होती है. बोथ द पुली, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली टूगेदर आर यूज टू लिफ्ट द लोड. दोनों ही पुलीज जो है वो लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज की जाती है. लेकिन फिक्स्ड पुली में तो पुली फिक्स होती है और मूवेबल में पुली जो है वो मूव करती है. व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, बेटा इन द व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट देयर इज अ रोड विच इज नोन एज द एक्सल. बेटा जो आपको ये बीच में एक रोड नजर आ रही है ये क्या होती है, ये एक्सल होती है. इफ वी पुट फोर्स ऑन दिस एक्सल देन व्हील ऑटोमेटिक स्टार्ट मूविंग. अगर हम इस एक्सल को मूव करते हैं, इस एक्सल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो व्हील्स हैं ये भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है जिसमें व्हील्स है और एक एक्सल है, ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट. When we rotate the handle of a screwdriver, it becomes the wheel and the shaft becomes the axle, which turns the screw. देखिए बेटा इस इमेज में आपको एक स्क्रू ड्राइवर नजर आ रहा है. इसमें जो इसका हैंडल है, जो ग्रीन कलर में पार्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये है हैंडल. इसको जब अगर हम रोटेट करते हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी रोटेट ऑटोमेटिकली से अटैच है, तो ये भी रोटेटिंग स्टार्ट कर देगा. इससे हम किसी भी स्क्रू को टाइट या लूज कर सकते हैं. तो जो हैंडल है वो स्क्रू बन जाएगा और जो नीचे जो शाफ्ट है वो आपकी एक्सल बन जाएगी. इट इज़ अ स्क्रू एंड इट इज़ ऑल्सो सिंपल मशीन एंड इट इज़ यूज टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर. बेटा देखिए ये स्क्रू है और ये भी एक सिंपल मशीन है. स्क्रू को कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हमें टू थिंग्स को, जैसे आपके पास टू वुड के पीसीज हैं उसको आपको ज्वाइंट करना है तो आप स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं. स्क्रू जो है वो नेल की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें ग्रूव्स होते हैं जो आपको जो नीचे का पोर्शन है, जो बॉटम वाला पोर्शन है, देखिए आपको उसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये जो ग्रूव्स होते हैं ये एक तरह से इंक्लाइंड प्लेन है जो एक रोड के चारों तरफ रोड के अराउंड जो है वो रैप्ड कर रखे हैं. ओके, अ स्क्रू एंड द स्क्रू जैक आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिंपल मशीन. वैज, अ वैज कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स ज्वाइंट बैक टू बैक विद अ शार्प एज. देखिए बेटा ये जो आपको एक्स नजर आ रही है, एक दिखाई दे रही है ना, ये है वैज का एग्जाम्पल. ठीक है, ये जो वैज होती है इसमें देखिए जो
टू एरोज नजर आ रहे हैं, जो ग्रीन कलर में आपको एरो नजर आ रहे हैं, जिस पे लिखा है चेंज इन द डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन। ये जो टू इसके साइड्स हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बैक टू बैक ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट है। विद अ शार्प एज, जो नीचे का जो पोर्शन है ये शार्प एज है, मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये कटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्प्लिट और कट एन ऑब्जेक्ट, जैसा आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये एक्स जो है ये यूज़ किया जा रहा है किस लिए, इस वुड को कट करने के लिए। तो हम इसको कट करने में या स्प्लिट करने में किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जो नाइफ होता है, जो शेविंग रेजर्स होते हैं, वो भी वेज के एग्जाम्पल्स होते हैं। यू नो ऑल द बिग मशीन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंपल मशीन्स, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें होती है बेटा, वो इन छोटी छोटी मशीनों से ही मिलके बनती है, और उनको हम बोलते हैं कंपाउंड मशीन।